दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस बात से अनजान हो कि हमेशा बॉलीवुड सितारों को लेकर अपने विवादित बयान की वजह से चर्चाओं में रहे। कमाल राशिद खान यानी कि KRK को बीते मंगलवार को मलाड पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किन ट्वीट्स ने KRK की मुश्किल में डाला है, लेकिन KRK ने साल 2020 के दौरान ऋषि कपूर और इरफान खान के खिलाफ एक ऐसा ट्वीट कर डाला था जिसके चलते इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल को KRK ने ऋषि कपूर को हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने के बारे में लिखा था कि उन्हें अभी मरना नहीं चाहिए क्योंकि वाइन शॉप बस खुलने ही वाली है। एक पुलिस अधिकारी से बातचीत के दौरान बताया गया था कि धारा 294 के तहत KRK के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसकी वजह से ही पिछले काफी लंबे समय से दुबई में रह रहे KRK को दुबई से मुंबई लौटते वक्त मुंबई मलाड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अब KRK से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जी हां, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद शाम को सीने में दर्द की शिकायत के कारण कमल को मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समाचार एजेंसी ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा था, कमल राशिद खान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद आज शाम मुंबई के कांदिवली इलाके में शताब्दी अस्पताल में लाया गया था। पुलिस ने 4 दिनों के लिए उनकी हिरासत की मांग की थी, लेकिन बोरीवली में एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और जमानत की सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। खैर, अब देखना रहेगा कि KRK कब तक ठीक हो पाते हैं। वेल दोस्तों, KRK के अचानक बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।